Good morning, students. In my previous lecture, we have started exercise 11.4 and we have done 5 sums of this exercise. Today, we will start from question number 6. Question number 6 hai hamara 2 cross roads, each of width 10 meter cut at right angles through the center of rectangular path of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find area of roads. Also find area of park excluding roads or give answer in hectare. अब हमें दोबारा से आपकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. 2 cross roads, each of width 10 meter, cut at right angle through the center of rectangular path of length 700 meter and breadth 300 meter. Length of path 700 meter or breadth of path 300 meter. Area of park, length multiplied breadth, 700 multiplied 300, 7 is 21, 1, 2, 3, 4 meters. Okay. अब मैं फिगर बना रही हूँ यहाँ पर. ये मेरा 700 मीटर एंड 300 मीटर. अब दोबारा से फिर स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं आपकी. 2 cross roads, सबसे पहले तो 2 cross roads हैं. Each of width 10 meter cut at right angle. दो roads कहाँ कट कर रही हैं? Right angles पे कट कर रही हैं. Through the center of rectangular path. और ये आपकी जो बनी हुई है सड़क, जो roads बनी हुई हैं, वो rectangular path के center में. तो मतलब एक road मेरी ये बन गई, जिसकी width कितनी है 10 meter. और एक रोड बड़ी ये बन गई क्योंकि वो पैरेलल भी है 10 मीटर. इनकी विड्थ है, मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ ए बी सी एंड डी ई एफ जी एंड एच. कट कहाँ कर रही है? पी क्यू आर एंड एस. यहाँ तो अब मुझे रोड्स का एरिया चाहिए. तो मैंने, मेरे पास एक रोड क्या है ए बी सी डी है और एक रोड क्या है पी ई एफ जी एच. तो मैं निकाल रही हूँ रोड ए बी सी डी. तो लेंथ आ जाएगी मेरी इसकी, लेंथ ए बी सी डी, तो लेंथ ये है मेरी, ये दिस वन. तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल, 300 मीटर. और विड्थ हमें दी हुई है 10 मीटर. एरिया निकाल लेते हैं, 300 मल्टीप्लाई 10, 3000 मीटर स्क्वायर. अब मैं नेक्स्ट रोड ले रही हूँ, रोड ई एफ जी एच. तो इसकी लेंथ आ जाएगी मेरे पास ये ई एफ जी एच में लेंथ ये है किसके इक्वल? इसके इक्वल, 700 मीटर. और ब्रेथ आ गई हमारी कितनी वाइड है, वो 10 मीटर.
तो एरिया 700 × 10 7000 meter square। अब मेरे पास दो रोड्स बनी थी, एक रोड का एरिया मेरा क्या आया 3000 meter square और एक रोड का एरिया मेरा क्या आया 7000 meter square। लेकिन एक बात मैंने देखी कि दोनों जो रोड थी उसमें ये वाला एरिया क्या है कॉमन, दिस वन ये हमारा क्या है कॉमन एरिया और ये मेरा क्या बन रहा है स्क्वायर और इसकी विड्थ क्या है साइड क्या है 10। तो साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस 10 meter, एरिया 10 × 10 100 meter square। तो एरिया ऑफ रोड्स हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू 3000 + 7000 - 100 9900 meter square में आया। लेकिन हमें आपको कितने देना है हेक्टेयर में देना है, तो इसको मैं 10000 से डिवाइड कर लेती हूँ 0.99 हेक्टेयर। एक आंसर मेरा ये 0.99 हेक्टेयर। ये 9900 meter square आया, उसको मैंने 10000 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर लिया हेक्टेयर में। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। मुझे एरिया ऑफ पार्क भी निकालना है जिसमें से रोड्स को मैं क्या कर दूंगी एक्सक्लूड कर दूंगी, एक्सक्लूड कर दूंगी मतलब उसको माइनस कर दूंगी। तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स आपका ये था 2112। अगर हम इसको यहीं पे हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेते तो चलो अब यहीं पे कर लेंगे 3 4 - 9900। तो ये आ गए 0 0, 10 - 9 = 1, 9 - 9 = 0 0 2। और इसको मैं 10000 से डिवाइड कर रही हूँ 20.01 हेक्टेयर। मेरे पास ये दो आंसर्स आ गए हैं कि फर्स्ट वन इज 0.99 हेक्टेयर और सेकेंड वन इज 20.01 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 meter, लेंथ ऑफ फील्ड 90 meter, ब्रेथ ऑफ फील्ड 60 meter, एरिया ऑफ फील्ड 90 × 60 = 5400 meter square। आपका ये एरिया फुल आ गया 5400 meter square। अब हम फील्ड बना लेते हैं, टू रोड आर कंस्ट्रक्टेड, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू साइड। तो ये आपका फील्ड 90 meter कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू साइड एंड कट ईच अदर, पैरेलल भी है और कट भी करती है 90 meter एंड 60 meter। टू रोड्स बना दीजिए, ये इसके पैरेलल और दिस वन इसके पैरेलल। अब अगेन आपकी ए बी सी डी रोड और ई एफ जी एच रोड और ये पी क्यू आर एस और विड्थ कितनी है हमारी, विड्थ ऑफ रोड इज 3 meter, ये हमारी 3 meter है। तो रोड ए बी सी डी, तो लेंथ आ जाएगी हमारी ए बी सी डी में दिस वन इज लेंथ 60 meter और ब्रेथ आ जाएगी 3 meter, एरिया 60 × 3 180 meter square। अब नेक्स्ट रोड ई एफ जी एच, लेंथ
ई एफ जी पे लेंथ ये 90 हो जाएगी, 90 मीटर, और ब्रेथ 3 मीटर, एरिया 90 × 3 270 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद स्क्वायर पी क्यू आर एस साइड 3 मीटर, एरिया 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया कवर्ड बाय रोड्स, तो एरिया ऑफ रोड्स 180 प्लस 270 माइनस 9, तो 180 प्लस 270 हमारे 450 माइनस 9 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर रोड रुपीज 110, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 441 मीटर स्क्वायर, 110 × 441। रुपीज 48,510। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ था और उसके सेंटर से दो रोड्स बनी हुई थी जो साइड्स के पैरेलल थी, तो हमने रोड्स का एरिया निकाला। जब हमने रोड्स का एरिया निकाला तो एक पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन आ गया, तो उसका एरिया निकाल के हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ रोड्स हमारा दोनों रोड्स का एरिया माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट, और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पाइप फोर सेंटीमीटर एंड कट ऑफ लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ कॉर्ड, शी रैप इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। उसने कॉर्ड को काटा और उसे कहाँ लगाया है, एक स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ लगाया है। डिड एनी कॉर्ड लेफ्ट, कि क्या कोई कॉर्ड बची है, हमें ये फाइंड आउट करना है। मतलब हमें गिवन क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, हमें रेडियस दी हुई है, और हमें रेडियस दी हुई है किसकी, कॉर्ड की, पाइप की, सॉरी प्रज्ञा रैप्ड कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप की हमें रेडियस गिवन है, और उसके बाद उसने उसके चारों तरफ क्या लगाया, किसको लगाया, कॉर्ड को लगाया, और फिर उसे कट कर लिया, और फिर उसने वो कॉर्ड किसके चारों तरफ लपेट दी, स्क्वायर बॉक्स के। तो जो कॉर्ड है वो कहाँ लग रही है आपकी, किसके चारों तरफ लग रही है, अराउंड लग रही है, कहाँ लग रही है, अराउंड लग रही है। इट मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4, सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 × 3.14 × 4, 4 × 8 = 8, 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 8, 3 = 11, 1 × 3 = 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देन शी रैप इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स, तब उसने इसको किसके, जब कट करने के बाद फिर रैप को उसने, कोर्ड को उसने निकाल लिया, और इसके किसके, इसको किसके तरफ चारों तरफ लपेटा है, स्क्वायर बॉक्स के, जिसकी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स 4 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ बॉक्स 4 × 4, 4 × साइड, पैरामीटर फॉर्मूला, तो 4 × 4 16 सेंटीमीटर, स्क्वायर में ही आएगा 16 सेंटीमीटर। कॉर्ड लेफ्ट 25.12 माइनस 16,
9.12 सेंटीमीटर। ये कोण हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हो गई। पहले हम किसके चारों तरफ लपेटा, सर्कुलर पाइप के चारों तरफ लपेटा, फिर उसको कट करने के बाद उसी कोण को हमने स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ लपेटा और फिर जो कोण बन गई वो क्या थी आपकी 9.12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द एडजॉइनिंग फिगर, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फार्वर्ड इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ होल लाइन। आपको सबसे पहले एरिया ऑफ होल लाइन निकालना है। तो होल लाइन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ होल लाइन, ब्रैकेट में रेक्टेंगल कर दीजिए फर्स्ट पार्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 × 5 50 मीटर स्क्वेयर। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड कहते हैं आपका सर्कुलर, तो ये हमारे पास है पाई आर स्क्वेयर। पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है। एक बार चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, तो हम 22/7 लेंगे। तो 22/7 × 2 × 2 88/7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग, इसको पॉइंट पे ले आते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 4 × 7 = 35, 7 × 7 = 59 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, फ्लावर बेड इज इक्वल टू 50 − 12.57 0.00 हम यहाँ लगा देंगे, 10 में 7 गए 3, 9 में 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमको निकालिए सर्कम फ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, सर्कम फ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड 2πr 2 × 22/7 × 2 88/7 = 12.57 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट पार्ट आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था, रेक्टेंगल का एरिया था, सर्कल का एरिया था, सर्कल की सर्कमफ्रेंस थी, तो बिल्कुल आपको सिर्फ फॉर्मूले इसमें पुट करने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमको इस क्वेश्चन में शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये बड़ा बड़ा रेक्टेंगल हम लोगों को नजर आ रहा है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ ये रेक्टेंगल ए बी सी डी लिख लो, रेक्टेंगल ए बी सी डी लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 18 × 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस पूरे में से जहां पर शेड नहीं है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर मैं इनका एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, शेडेड रीजन का। अब शेडेड रीजन जो मेरे पास फिगर नहीं बन रही, वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लेकिन मैंने देखा कि बड़े वाली फिगर में दो और फिगर्स बन रही हैं, दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं उन ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ और उसे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ट्राइंगल ए ई एफ बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, एरिया 1/2 × बेस × हाइट
1/2 × 10 × 6 30 cm². अब नेक्स्ट एरिया ट्राइंगल EBC बेस 8 cm हाइट 10 cm एरिया 1/2 × 8 × 10 2 × 4 = 40 cm². तो एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन आपके पास आ गया 180 − 30 − 40 = 110 cm². आपको एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन निकालने के लिए बड़ी फिगर के एरिया में से अनशेडेड रीजन का एरिया माइनस करना है, तो आपके पास एरिया ऑफ शेड रीजन आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा क्या है, फिगर फिर से बनी हुई है, ये 20 दी हुई है, ये भी 10 और 10 20, तो 20 cm हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास स्क्वायर है। और जो शेड रीजन है वो मुझे क्या नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, बट उस ट्राइंगल को के मेजरमेंट्स मेरे पास नहीं है, दैट इज वाई कि मैं उसका एरिया नहीं निकाल सकता। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, बड़ी वाली फिगर में से उन फिगर्स का एरिया माइनस करूँगी जिसकी मेरे पास जिस जो शेडेड नहीं है। तो स्क्वायर PQRS साइड 20 cm और एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड 20 × 20 400 cm². देन अब मुझे नेक्स्ट ये लेती हूँ ट्राइंगल TSU बेस 10 हाइट 10 एरिया 1/2 × बेस × हाइट 1/2 × 10 × 10 2 × 5 = 50 cm². अब ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ये ले चुकी मैं, अब ये वाला ले लूँ बेस ट्राइंगल QRU बेस 10 cm हाइट 20 cm एरिया 1/2 × 10 × 20 100 cm². अब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल बचा है ट्राइंगल PTQ, तो इसका मेरे पास बेस आ जाएगा, बेस मेरा ये बनेगा PQ, तो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20, बेस PQ इज इक्वल टू 20 cm हाइट, हाइट PT इज इक्वल टू ये 20 है, तो ये पूरी लाइन क्या हुई 20, 20 माइनस ये पोर्शन कितना है 10 माइनस 10 10 cm एरिया 1/2 × 20 × 10 100 cm² और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 400 − 50 − 100 − 100 150 cm². एंड दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास आपको एरिया ABCD का फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसके देखती हूँ तो मेरे पास दो फिगर बन रही है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC। तो 1/2 ABC में बेस मेरा बना 22 इंटू हाइट BM 3 cm इंटू 3 प्लस ADC का 1/2 × बेस 22 इंटू हाइट DN 3 cm 11 × 33 + 33 = 66 cm² एंड दिस इज द आंसर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना मैंने पहले भी बताया आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमारी फिगर दो ट्राइंगल्स में बटी हुई है, दोनों ट्राइंगल्स का हमने एरिया फाइंड आउट किया। बेस कौन सा होता है मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई करता है दैट इज बेस।
परपेंडिकुलर, अगर मैं ये ट्राइंगल कर देखती तो किस पे लाई कर रहा है, ए सी पे, तो 22 हमारा क्या हो गया बेस, हाइट 3। और अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल लेती हूँ फिर से परपेंडिकुलर किस पे लाई कर रहा है ए सी पे, तो हमारा 22 क्या हो गया बेस, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हमने किया, तो हमारा क्वेश्चन हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आपकी 11.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को कंसल्ट करेंगे, वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से आपको सम्स करवाए गए हैं और फिर सम्स को अपने आप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।